से कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपना 15 लाख रुपए का इनकम प्रूफ दिखाया था, और ये जो इनकम हुई थी वो रीसेलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से हुई थी, यानी कि मैंने रीसेलिंग से ही 15 लाख रुपए की कमाई की है। हर कोई भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन लाइव मैंने उस वीडियो में आपको अपने इनकम प्रूफ दिखाए थे, अलग अलग एप्लीकेशन से मैंने रीसेलिंग की। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी रीसेलिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे मैं एक रीसेलर बना और कैसे मैंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रीसेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, आप रीसेलिंग बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया था, और कैसे लाखों रुपए मैंने कमाए हैं। अपना एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर देना। दोस्तों, मैं कॉलेज टाइम से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरा रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो कॉलेज टाइम पे ही हुआ था। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैं YouTube पर वीडियो बनाना जब भी शुरू कर दिया था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं YouTube पर वीडियो बनाता था। तो YouTube पर जो लोग वीडियो बनाते हैं वो हमेशा YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर चीजें सर्च करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं हम किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाए, यानी कि वीडियोज के टॉपिक सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था, मेरे सामने एक बार ड्रॉप शिपिंग के बारे में वीडियो आई जिसमें बताया जा रहा था कि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है और ये बिजनेस मॉडल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा चलता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में होता क्या था कि कोई मैन्युफैक्चरर होता था, जैसे चाइना में कोई माल बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे टाई अप कर सकते हैं और उसके माल को अलग अलग देशों में बेच सकते हैं, अलग अलग देशों में, इंडिया में, अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, अलग अलग देशों में बेच सकते हैं और आप मीडिएटर बन के पैसे कमा सकते हैं। जैसे उसकी रेट जितनी होगी उस रेट से ज़्यादा में आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। तो ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस था, इसको मैं सोच रहा था स्टार्ट करने की, लेकिन ये बहुत खर्चे वाला बिजनेस था, यानी कि बहुत पैसा चाहिए था। और कॉलेज समय पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो पैसे की ही दिक्कत होती है। तो मैंने कहा यार ये बिजनेस तो स्टार्ट हम नहीं कर पाएंगे, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो हमें पता चला कि इंडिया में एक कंपनी आई हुई है जिसका नाम मीशो है। वो कंपनी जो ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसी जगह मीशो कंपनी इंडिया में एक रीसेलिंग बिजनेस मॉडल चलाती है। इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद उनके प्रोडक्ट को आपको आगे सेल करना होता है। प्रोडक्ट उनके रहती हैं, डिलीवरी भी वही कराते हैं, वो फाइनल रेट अपने एप्लीकेशन में डाल के रखे हैं, आप उस रेट से ज़्यादा में सेल कराओगे वो आपका प्रॉफिट होगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब मेरे को मीशो एप्लीकेशन के बारे में तो पता चल चुका था, यानी कि मेरे को मीशो के बारे में पता चल गया, तो मीशो के प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूं, उनकी कुरियर कंपनी यूज कर सकता हूं, यानी कि सब कुछ मेरे को मिल चुका था। अब भाई मेरे को यह सोचना था कि यह प्रोडक्ट मैं कहां पर बेचूं, किसको बेचूं। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि बैठे बैठे कि इस समय सबसे ज्यादा कस्टमर कहां मिल सकते हैं मेरे को, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन मार्केट में जाके लोगों से मिलके मैं उनको प्रोडक्ट दिखाऊं, उनको बोलूं अगर आपको चाहिए तो हमसे आप खरीद सकते हैं, हमसे ऑर्डर लगवा सकते हैं। लेकिन मेरे को एक कमी दिखी, मेरे को कमी ये दिखी कि मैं जब लोगों के पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि पहले सैंपल दिखाओ, स्टॉक दिखाओ, लेकिन स्टॉक तो मेरे पास है नहीं, बस फोटो है, फोटो से कोई बिलीव नहीं करेगा मेरे पे। तो मैंने कहा कि फोटो से बिलीव कहाँ पे लोग करते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि ऑनलाइन लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट तो वो देखते नहीं, पहले फोटो देखते हैं, फोटो देख के ही शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा ऑनलाइन से ही हमारा ये बिजनेस चल सकता है, ऑफलाइन से नहीं चल सकता। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूं जिसका मेरे को एक्सपीरियंस हो और उसी के माध्यम से मैं कस्टमर ले पाऊं। तो मैं बहुत समय से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था और बिजनेस की वीडियो बना रहा था कि ये बिजनेस कैसे करें, पशुपालन कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं शेयर करता था। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने लोगों को बताया कि आप कपड़े का व्यापार कैसे कर सकते हैं, जिसमें मैंने मेंस गारमेंट के बारे में बोला था और मैंने बोला अगर आपको मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे खरीद सकते हैं, हम काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जब वो वीडियो लाखों में पहुंची, लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी, तो मेरे को इतने सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पर, लोगों ने कहा सर अपने सैंपल भेजिए, अपने प्रोडक्ट भेजिए। तो हुआ क्या कि मैंने
मीशो से उनको प्रोडक्ट के फोटो और रेट भेजते गया। उन मीशो में जो रेट थी उससे ज़्यादा मैं उसे उन्हें बताता था। तो जैसे मीशो पे किसी टी शर्ट की रेट है 150 रुपये, तो मैं 180 रुपये बताता, 30 रुपये मार्जिन रखता। तो बहुत सारे दुकान वालों के मैसेज आए, बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आए, तो मैंने सभी को प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कस्टमर्स मेरे को ऑर्डर दे रहे, रिटेलर मेरे को ऑर्डर दे रहे, तो मेरी काफ़ी अच्छी इनकम हो रही थी और कॉलेज टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा था। लेकिन वीडियो मैंने दूसरी बनाई, तीसरी बनाई बिजनेस के बारे में, कपड़े का कर लो, लेडीज गारमेंट, किड्स का, क्योंकि मीशो के अंदर सभी तरह के गारमेंट मिल जाते थे। तो जब बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखने लगे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे, और एक मेरा जो कॉलेज था वो फुल टाइम कॉलेज था, सुबह का जाता, शाम को आता, शाम के बाद बिजनेस में लग जाता, तो पढ़ाई भी मैनेज नहीं हो पा रही थी, बिजनेस भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ भाई, बिजनेस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया, मैंने बोला कि ये बिजनेस आइडिया है, इस तरीके से ये बिजनेस चलता है, और अगर तुम करना चाहो तो तुम कर लो। तो मैंने सभी मेंबर्स को उनको ट्रांसफ़र कर दिया और उनको बोला आप ही इस बिजनेस को संभालो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन्हीं के नंबर डाल दिए। मतलब अपना बना हुआ बिजनेस मैंने दूसरे को दे दिया केवल पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन हुआ क्या कि जितना पैसा मैंने थोड़े से समय में कमाया था वो पैसा खर्च हो गया। तो मेरे को लगा यार अब क्या करें, अब तो पैसा चला गया रीसेलिंग में से जितना कमाया था। तो मैंने कहा यार दूसरा कमाई कर रहा है, और मेरा नेटवर्क था, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सब कुछ किया था, दूसरा इतना अच्छा पैसा उससे कमा रहा है। तो मैंने फाइनल सोचा कि नहीं भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, उनको जितने मेंबर पहुँच गए उतने पहुँच गए, अब मैं दोबारा से रीसेलिंग स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद मैंने उनके नंबर हटा के अपने नंबर फिर से डाले और नई नई वीडियो फिर से बनाना शुरू कर दी, और मेरी बीकॉम भी फाइनल हो चुकी थी, तो मैं रीसेलिंग से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा था। एक बार की बात है, मैं राजस्थान चला गया था और दिवाली के समय मेरी जो दिवाली में 15 लाख रुपए की सेल हुई थी, मतलब दिवाली के समय पर काफ़ी अच्छी सेल करने के बाद मेरे को जो नेट प्रॉफिट हुआ था 2,75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था लगभग एक महीने के अंदर। अब मेरे 2,75,000 रुपये हाईएस्ट सेल थी दिवाली की वजह से, और इतनी ज़्यादा सेल होने की वजह से हुआ क्या, कंपनी को मेरे पे डाउट हुआ, उन्हें लगा कि एक सिंगल पर्सन इतनी ज़्यादा सेल कैसे निकाल सकता है, यानी कि 2,75,000 रुपये का तो प्रॉफिट मार्जिन है और सेल इतनी बड़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने कन्फ्यूज हुए, तो उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मेरा जब अकाउंट ब्लॉक हुआ तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे 2,75,000 रुपये एक बड़ी अमाउंट फंस गई थी, एक महीने से मेहनत कर रहा था, वो पूरा पैसा मेरा फंस गया था। तो मेरा भी माइंड अपसेट था, मैंने कहा अब क्या करूं, मेरा रीसेलिंग का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चैनल बनाया, बी मेक रीसेलर, मतलब हम रीसेलर बनाएंगे, और उस पर मैंने उस कंपनी की भरपूर बुराई की। मैंने बोला ये कंपनी इतनी फ्रॉड है, मेरे पैसे खा गई, ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने डिटेल में लोगों को समझाया, इनके कस्टमर केयर को कॉल किया, और लाइव वीडियो में मैंने उनसे पूछा आपने ब्लॉक क्यों किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था बोलने के लिए। तो मेरी वो वीडियो चलने लगी और लोगों को पता चल गया कि ये रोहित सही इंसान है, इसके पैसे इस कंपनी ने खा लिए हैं। और उस समय ये रीसेलिंग बिजनेस ऊपर की साइड जा रहा था, ग्रो कर रहा था, और उस समय मेरी वीडियो भी नेगेटिव आ रही थी, तो उस कंपनी को काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था मेरी वीडियोस से। लगभग 6 महीने तक यही चीज़ चलती रही, मैं नेगेटिव वीडियो डालता गया, और वो कंपनी बाद में मेरे से कांटेक्ट की, कांटेक्ट करने के बाद फाइनल हमने सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने मेरे से बात की, और उसके बाद कुछ पेमेंट हुआ, पूरा पेमेंट मेरे को अभी तक नहीं मिला, कुछ पेमेंट उन्होंने मेरे को दिया, मेरी वीडियोज़ को बोला कि डिलीट करवा दीजिए, हम भी लीगल एक्शन लें, आप भी थाने पुलिस के चक्कर में पड़ो, कोर्ट वगैरह के चक्कर में पड़ो, तो आपको भी फ़ायदा नहीं, हमें भी फ़ायदा नहीं है, तो आप डिलीट कर दो, बाकी आपका इतना पेमेंट है उसका 50% हम आपको पे कर देते हैं। 6 महीने हो चुके थे, तो मैंने भी सोचा बात बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, बात को खत्म करें। तो उसके बाद मैंने उनकी वीडियो डिलीट कर दी, उन्होंने मेरा जो ब्लॉक अकाउंट था उसको एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद मेरा एक चैनल और स्टार्ट हो चुका था, बी मेक रीसेलर, और बी मेक रीसेलर उसी जगह से स्टार्ट हुआ था, वहां से ही मैंने फिर रीसेलिंग सिखाना लोगों को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने रीसेलिंग एप्लीकेशन के रेफर प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा इनकम की, लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया और मेरे को उससे कमीशन मिलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से मेरी रीसेलिंग स्टार्ट हुई, और अभी तक मैं यूट्यूब पर भी रीसेलिंग से कहा रहा हूँ, खुद भी रीसेलिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट डीलर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, और रीसेलिंग एप्लीकेशन की हेल्प से भी रीसेलिंग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों का मन था कि रोहित भाई का एक्सपीरियंस थोड़ा जान लिया जाए, तो अब आपको पता चल चुका है, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें।